आदर्श एकेडमी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और एजुकेशन से जुड़े लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। Hey guys, what's up? I hope you are doing well. Friends, आज इस वीडियो में हम आरओ के यूपी पीसीएस का जो आरओ का एग्ज़ाम है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बुक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप ये बुक्स फॉलो करते हैं तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपका जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। उन बुक्स की बात करते हैं, जैसे दो पेपर होता है, एक होता है जनरल स्टडीज़ का, दूसरा होता है जनरल हिंदी का। तो जनरल स्टडीज़ में आपको कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, जिसमें सभी टॉपिक्स जो हैं, जो सभी एग्जामिनेशन में सिलेबस में सभी टॉपिक्स दिए हैं, सभी विषय दिए हुए हैं, उनको कैसे कवर करेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में तीन पोर्शन होता है, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न होता है। कल्चर इन्हीं के साथ एंशियंट मेडाइवल के साथ इंक्लूड होता है, ठीक है। तो एंशियंट मेडाइवल मॉडर्न के लिए आपको तो सबसे पहले 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। मॉडर्न का जो पोर्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, एंशियंट मेडाइवल का होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना मॉडर्न का जो है वेटेज होता है। तो मॉडर्न के लिए आपको क्या करना है, स्पेक्ट्रम की बुक पढ़नी है और 6 से 12 की जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एंशियंट मेडाइवल भी कंप्लीट उसमें हो जाएगा। इसके अलावा इसके साथ साथ आपको घटनाचक्र भी पढ़ना है। घटनाचक्र जो होता है वो एक प्रैक्टिस पेपर होता है, प्रैक्टिस बुक होता है, जिसमें कई वर्षों के पेपर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन होते हैं, 4 विकल्प दिए होते हैं और उसके बाद उसका नीचे बॉक्स में एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया होता है। अगर आपको नहीं पता है तो थ्योरी भी आप उसके पढ़ सकते हैं। तो इसलिए घटनाचक्र प्रीफर कर रहा हूँ। घटनाचक्र एज ए प्रीवियस ईयर पेपर आप इसको यूज़ करेंगे, सबसे पहले आप बुक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हम जो अपने चैनल पर क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किए हैं हर सब्जेक्ट से संबंधित, जिसमें हमने मेडाइवल और एंशियंट को कंप्लीट करा दिया है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। वो क्विक रिविजन जैसा एक सीरीज है जिसमें हम जल्दी से चीज़ों को कवर कराना है, जो एग्जाम के दृष्टि से जो 5 वर्षों के पेपर्स को देखकर महत्वपूर्ण हैं उन्हीं टॉपिक्स को हम उसमें पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम अपने चैनल पर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि यूपी पीसीएस से संबंधित 4 से 5 टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुके हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा करंट अफेयर की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, हम करंट अफेयर के कम से कम 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो 2017 के दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद के जो इवेंट होंगे उसको भी हम कवर करा देंगे अपने वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है आप कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज का वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए और जो करंट अफेयर हैं वो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है, स्पेक्ट्रम स्पेशली मॉडर्न इंडिया के लिए पढ़ना है, उसके बाद आप घटनाचक्र के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जिसमें एंशियंट मेडाइवल मॉडर्न इंडिया तीनों के क्वेश्चन हो जाएंगे एज ए प्रैक्टिस पेपर। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। देखिए, ज्योग्राफी में 2 पोर्शन होता है, एक होता है इंडियन ज्योग्राफी, एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं। तो उसके लिए भी आप ज्योग्राफी के लिए भी 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो आरओ के लिए इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, आपको माजिद हुसैन पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि आप महेश बर्नवाल पढ़ लीजिए, बहुत ईजी लैंग्वेज में इन शॉर्ट में आपको चीज़ें समझाई गई हैं। इसके अलावा घटनाचक्र पढ़ लीजिए, ताकि आपको उन क्वेश्चनों का जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ें उसका प्रैक्टिस हो पाए, आपके सामने कई सारे क्वेश्चन आएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेपर बुक्स पढ़ने के बाद, कंटेंट पढ़ने के बाद, कि उसका प्रैक्टिस सेट हो जाए, उसका प्रैक्टिस हो जाए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते तब तक आपके एग्जाम में जो है आपको मजा नहीं आता पेपर देने में, तब तक आपकी तैयारी पूर्ण होती नहीं है। तो घटनाचक्र आप एज ए प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप समझ कर इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद नंबर आता है पॉलिटी का। पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है, पॉलिटी के लिए आपको एक सफिशियंट बुक है सभी एग्जाम के लिए, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुक में स्पेशली यम लक्ष्मीकांत पढ़ने की आपको जरूरत है पॉलिटी के लिए। इसके बाद वही जो घटनाचक्र है उसको आप एज ए प्रैक्टिस सेट आप यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 3-4 काम आप कर लीजिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता है। आप पेपर 5-6 वर्षों का उठा के देख लीजिएगा और बुक्स को उठा के देख लीजिएगा, इसके बाहर कभी भी कुछ नहीं आता। बाकी आपको कोई कुछ बताया, आपका मन करता है तो आप फॉलो करिए, लेकिन मेरा यही कहना है कि आप इन्हीं बुक्स को फॉलो करिए, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के लिए देखिए, इकोनॉमी स्पेशली जो होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बहुत कम आते हैं, लेकिन करंट की चीजें समझने के लिए आपको कम से कम बेसिक की जानकारी होनी चाहिए। तो इकोनॉमी के लिए देखिए, तो आप जो हिंदू वगैरह पेपर पढ़ते हैं या फिर करंट अफेयर के बहुत सारे वीडियोस अपलोड होते हैं, हम भी अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, उसको देख लीजिए, क्योंकि इकोनॉमी का जो पोर्शन होता है स्पेशली करंट्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो करंट के लिए इकोनॉमी में आप जो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसको भी देख लीजिए। इसके अलावा आप कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हैं, ई दृष्टि आती है, बहुत सारे एग्जाम के समय में बुक्स आते हैं करंट अफेयर से, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा घटनाचक्र भी अपना एक बुक लाता है करंट अफेयर का, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन इकोनॉमी के लिए जो घटनाचक्र का
प्रीवियस ईयर का पेपर होता है जिसमें 20 वर्षों के लगभग क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप सॉल्व करिए, क्योंकि वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेसिक। ठीक है, इतना ज्यादा टफ नहीं है, आपको बस करंट पे ज्यादा स्पेशली ध्यान देना है। और जो करंट होता है पूरे एक साल का होता है, ठीक है, याद रखिए करंट जो होते हैं वो पूरे एक साल के होते हैं। तो दिसंबर तक के करंट अफेयर तो हम खुद कंप्लीट करा दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद के जो करंट अफेयर होंगे उसको धीरे धीरे 2-3 पार्ट में हम और कंप्लीट करा देंगे। इसके अलावा हम करंट अफेयर के साथ साथ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, उसको भी आप सॉल्व करिए, ताकि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने में आपको आसानी हो। इसके बाद बात करते हैं जनरल साइंस की। देखिए जनरल साइंस में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पोर्शन क्वेश्चंस के आते हैं वो बायोलॉजी पोर्शन से आते हैं। तो बायोलॉजी के लिए आपको क्या करना है, बायोलॉजी के लिए आप लूसेंट का बुक पढ़ सकते हैं। लूसेंट जो जिसमें थ्योरी वगैरह चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट वगैरह है, उस लूसेंट को पढ़िएगा। प्रैक्टिस पेपर जो लूसेंट का आता है उसे आप मत पढ़िएगा, ठीक है। पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो है आप घटना चक्र से सॉल्व करिए प्रीवियस पेपर को समझ करके। तो लूसेंट को पढ़ लीजिए जनरल साइंस के लिए, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए स्पेशल आप लूसेंट तो पढ़ ही लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। इसके बाद घटना चक्र आप पढ़ लीजिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, फिर आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी जनरल स्टडीज़ के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर सेकंड, यानी जिसे आप कहते हैं जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए हिंदी के लिए पर्यायवाची का कोई आपके पास ट्रिक नहीं है, मतलब मुश्किल है उसका ट्रिक बनाना। ठीक है, पर्यायवाची जैसी चीज़ों को आपको याद ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे तद्भव तत्सम है, या फिर विशेष से विशेषण है, इन सभी चीज़ों के लिए कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हिंदी के लिए सबसे अच्छी जो बुक है वो है डॉक्टर हरदेव बाहरी की। इन्होंने जो है थ्योरी को, इनके कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे तरीके से हिंदी के समझाया है, चाहे वो संधि का हो, चाहे फिर अनुलोम विलोम चीज़ों से संबंधित हो, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने, इनकी एक बुक है सामान्य हिंदी का, आप बुक दुकान स्टॉल पे जाइएगा, वहाँ पूछिएगा, आपको पता चल जाएगा, डॉक्टर हरदेव बाहरी का हिंदी का, जनरल हिंदी का, सामान्य हिंदी का बुक तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, रिजनेबल प्राइस, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इस बुक को खरीद लीजिए और इसी को कवर कर लीजिए, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। बात करते हैं इकोलॉजी की, अर्बनाइजेशन की, पॉपुलेशन की, इन सभी के लिए, कल्चर की, इन सभी के लिए आप घटना चक्र के क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं, लगभग 20 वर्षों के पेपर होते हैं, उसको सॉल्व कर लीजिए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी यूपी पीसीएस के आरओ से संबंधित। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चंस, इसके अलावा करंट अफेयर के जो नोट्स हैं वो भी हम अपने चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो यूपी पीसीएस का चल रहा है उसको भी ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।